सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पाठ 16 वर्ग सप्तम का जो पाठ सम्मिति है का प्रश्नावली 16.2 बनाएंगे। 16.2 में है घूर्णन सम्मित। घूर्णन सम्मित कहने का अर्थ है कि जैसे कि ये मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इसको हम कितना घुमाएंगे तो फिर ये अपने पुराने अवस्था पर आ जाए, तो घूर्णन सम्मित। जैसे कि ये मान लीजिए कि इस तरह से है, तो अगर इसको पहली बार 90 डिग्री से घुमाएंगे तो इस पोजीशन में आएगा, पहले के जैसा नहीं है। फिर इसको 90 बार घुमाएंगे तो ये इस पोजीशन में आएगा, ये घूर्णन सम्मित इसके बराबर नहीं है। फिर इसको घुमाइएगा तो ये इस तरह से आएगा, फिर एक बार और घुमाइएगा तब यहाँ पर आएगा। तो यानी 360 डिग्री घुमाएंगे तब ये। तो कहता है कि एक चक्कर किसी वस्तु को घुमाने में वो कितने बार अपने जैसा लाता है, तो एक चक्कर में ये एक ही बार में आ रहा है, तो इसका घूर्णन सम्मित एक होगा, ठीक है। और कितना डिग्री कोण इसका होगा, तो ये 360 होगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न एक में है, एक वर्ग का घूर्णन सम्मित का कर्म कितना है, अब कर्म बताना है वर्ग का कितना होगा, उन सभी कोणों का माप बताए जिससे यह स्पष्ट हो कि वर्ग एक घूर्णन सम्मित आकृति है। तो वर्ग पहले हम बनाते हैं, ये आप वर्ग ले लीजिए, ठीक है। इसका इस जगह हम ये इस तरह करते हैं, ये रख लेते हैं कि ये हमारा ऊपर था, इसको नाम दे दिए ए बी सी डी, ठीक है। 90 डिग्री से इसको घुमा दीजिएगा, 90 डिग्री से जब इसको घुमाइएगा तो ये ए आ जाएगा यहाँ, ए बी सी डी, क्या देखने में आपको अंतर लग रहा है। फिर 90 डिग्री घुमाइएगा तो अब यहाँ पर आ जाएगा ए बी सी डी, क्या अंतर है। फिर 90 डिग्री घुमाइएगा तो ये आ जाएगा यहाँ पे ए बी सी डी, क्या अंतर है। तो कितना बार घुमाए, एक बार, दो बार, तीन बार और एक बार अगर घुमाएंगे तो ये आ जाएगा। तो इसका क्रम क्या है, तो पूछ रहा है एक वर्ग के घूर्णन सम्मित का कर्म कितना है, तो कर्म इसमें क्या बार आया, चार बार आया, इसलिए इसका कर्म जो होगा, कर्म बराबर होगा चार। और कितना डिग्री कोण घुमा रहे हैं, उन सभी कोणों का माप बताइए इसमें, तो कोण का माप इसमें होगा, कोण कोणों की माप इसमें होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री पर घुमाने पर क्या हो रहा है, तो टोटल एक घूर्णन कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, इसका कर्म था चार, तो भागा दीजिएगा तो ये 90 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डिग्री निकालते हैं, ठीक है। प्रश्न दो में, प्रश्न संख्या दो में कह रहा है निम्नलिखित बहुभुजों में कितने घूर्णन सम्मित का क्रम है। मीन्स बताना है कि 360 डिग्री तक घुमाने में, एक बार घुमाने में कितने बार ये सम्मित होगा, देखने में कैसा होगा। तो सम पंचभुज है, पंचभुज मने पांचों भुजा जिसका बराबर हो, इस तरह का आकृति। तो इसको पांच बार 360 डिग्री में अगर घुमा रहे तो पांच बार ये आएगा, इसका क्रम जो होगा पांच होगा, ठीक है। आयत का, अगर किसी आयत को आप देखते हैं, ये था 90 डिग्री जब घुमाइएगा तो इस तरह हो जाएगा, फिर 90 डिग्री घुमाइएगा तो इस तरह हो जाएगा, फिर 90 डिग्री घुमाइएगा तो इस तरह हो जाएगा, फिर अब 90 घुमाइएगा तो ऐसे, तो इसका दो बार सिर्फ आएगा, ठीक है। इसका दो बार है। वर्ग में आप एक नंबर प्रश्न में पढ़े थे कि चार बार होता है, और समबाहु त्रिभुज में तीन बार होगा, ठीक है। कितना डिग्री का कोण से इसको घुमाए, समबाहु त्रिभुज है, एक बार इसको ऐसे करके 60 डिग्री में घुमाइएगा तो फिर उसी तरह का आकृति आ जाएगा, ठीक है। और फिर एक 60 डिग्री घुमाइएगा फिर उसी तरह आ जाएगा, फिर 60 डिग्री घुमाइएगा तो ये आ जाएगा, तो तीन होगा। प्रश्न संख्या तीन, प्रश्न तीन में है अंग्रेजी वर्णमाला के दो अक्षर लिखिए जिसमें दो सम्मिति का अक्ष हो। सम्मिति का अक्ष आप पढ़े कि जहाँ से जिस रेखा पर, जैसे मान लीजिए ए है, तो यहाँ सम्मिति अक्ष एक ही था कि अगर इस पर हम शीशा रखते हैं तो दोनों तरफ बराबर दिखेगा। तो इस तरह से दो अक्षर देखना है, तो हम देखते हैं एच और आई, इसमें दो है, एक ऐसे भी है और ऐसे भी, इसमें भी। तो इसका सम्मिति एच आई तो हो गया दो अक्षर जिसका सम्मित अक्ष दो है, लेकिन घूर्णन सम्मित का कर्म भी कह रहा है दो हो, तो 360 डिग्री तक वहाँ, जैसे H है, अगर इसको पहले बार घुमाइएगा तो ये ऐसा आएगा,
फिर दोबारा घुमाइएगा तो ऐसा आएगा, फिर उसको घुमाइएगा 90 डिग्री से ऐसा आएगा, और फिर घुमाइएगा तो ऐसा। तो ये देखिए दो बार ये एक जैसा आ रहा है, तो ये दो अक्षर एच और आई होगा। प्रश्न चार में है, एक समबाहु त्रिभुज के कितने घूर्णन सममित क्रम है। ये तो अभी पढ़े हम सवाल में कि कर्म जो होगा समबाहु त्रिभुज का वो 3 होगा, और कोण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोणों की माप निकालने के लिए क्या करते हैं, 360 डिग्री कुल एक घूर्णन 360 डिग्री का होता है, उसको भाग देंगे 3 से तो ये 120 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक प्रश्नावली 16.2 का प्रश्न संख्या 1 से 4 तक बनाए, बचा हुआ प्रश्न जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल को। चैनल देखने के लिए सभी को धन्यवाद।